सत श्री अकाल जी, सारिआं नूं स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल ते। फ्रेंड्स, अज मैं बनान जा रही हाँ ब्रैड टोस्ट, जिहड़े कि बड़े ही टेस्टी बने सीगे, ते उहदे लई मैं सारी तैयारी करके रख रही हाँ। सब तो पहले असी जिहड़े आलू ने उहनां नूं उबाल लवांगे, उहनां नूं उबालन तो बाद चंगी तरह मैश कर लांगे, ते एक शिमला मिर्च बरीक कटी हुई पा लवांगे, ते उस तो बाद एक प्याज है वह भी बरीक कट लिया सीगा, एक हरी मिर्च भी कट ली सी, ते ऐ बिल्कुल ही बरीक बंद गोभी कट ली है मैं, ते इन्हां नूं बस सारियां नूं मिक्स कर लेना। ते उस तो पहले मिक्स करन तो पहले असी इन्हां दे विच मसाले पा लांगे सारे। सब तो पहले धनिया पाउडर पाया, ते दूसरा लाल मिर्च पाउडर पा लो, जिन्नी कि तुसी मिर्च खांदे हो तेज़ खांदे हो तेज़ पा लो, घट खांदे हो तो घट पा लो। और उस तो बाद मैं पाई है काली मिर्च, काली मिर्च का भी अपना ही अलग तो टेस्ट होंदा है। ते इस तो बाद मैं अदरक लसन का पेस्ट पा लिया, अदरक लसन के पेस्ट नाल काफ़ी अच्छा टेस्ट आन लग गया सीगा। अदरक लसन का अपना अलग ही टेस्ट होंदा है, ऐ तुसी किसी भी अगर सब्जी दे विच पांदे हो जां किसी स्नैक्स विच पांदे हो तो बड़ा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैनू अदरक लसन का पेस्ट बड़ा पसंद है, इसलिए मैं पाना पसंद करती हूँ इनू। उस तो बाद असी पा लिया अपने स्वाद अनुसार नमक, तो थोड़ा जहा मैं जीरा पा लिया सी, मेरे को जीरा पाउडर नहीं सी इसलिए मैं जीरा पा लिया। तो हुण मेरे को पनीर है, पनीर दी सब्जी बनाई सीगी राती, उहदे चो थोड़ा जा पनीर बचिया सी, ते मैं इनू थोड़ा जा धो लिया, ते उस तो बाद इनू यूज़ कर लिया। ते थोड़ा जा मैश करके पनीर नू चंगी तरह दे विच मिक्स कर लिया, ते कसूरी मेथी पा ली है। हुण असी इनू चंगी तरह मैश कर लांगे, सारे मसाले ने जो सारियां सब्जियां ने जो वह सारियां ही चंगी तरह मिक्स कर लवांगे। इहदा मिक्स करन तो बाद काफ़ी अच्छी खुशबू आन लग जाती है। सब तो ज़्यादा तो मैनू ये खुशबू आ रही सी अदरक लसन के पेस्ट की, जो कि मैनू बड़ी ज़्यादा पसंद है। तो बस बड़े ही टेस्टी लगते ने स्नैक्स। अगर अज मौसम भी बड़ा अच्छा बनया हुआ सीगा, इन्नी गर्मी भी नहीं हैगी सी, तो बस फिर असी सोचा चलो अज कुछ वधिया जा बनाया जाए तो खाया जाए। तो स्नैक्स सब तो बेस्ट लगते ने वाले। ऐ मैं गर्म किया घ्यो, जिहड़ा कि देसी घ्यो सीगा, इन्हां नूं बनाउण वास्ते मैं देसी घ्यो दा इस्तेमाल किया। तुसीं चाहो तो दूसरा कोई अपना जिहड़ा भी तुसीं ऑयल या तेल घ्यो यूज़ करदे हो कर सकदे हो, मैं देसी घ्यो दा यूज़ किया। तो देसी घ्यो गर्म कर लिया, तो सब तो पहले मैं इहदे उपर लगावांगी टोमैटो सॉस, एक ब्रैड के उपर लगा लीए। तो हुण इहदे उपर जिहड़ी असी स्टफिंग बनाई है आलूआं दी ते सारे सब्जियां दी, उहनू भर लवां, उहदे नाल असी चंगी तरह नू कवर कर लवांगे। और मैं जिहड़ी इहदी लेयर लगाई सी उह काफ़ी मोटी मोटी लगाई सीगी, तां कि जिहड़ा दूसरा ब्रैड है उह असी एवें ही रख सकीए। अगर तुसी पतली पतली लेयर लगांदे हो तो दोनों ब्रैड के उपर लगा लो, लेकिन मैं एक ब्रैड के उपर ही लगाई सी और दूसरे ब्रैड के उपर चिली सॉस लगाती है। चीज़ सानू अज मिलिया नहीं, बड़ा ट्राई किया है सारी जगह तो पता किया सी, लेकिन किधरों नहीं मिलिया। अगर तुसी इहदे विच एक चीज़ स्लाइस रख दोगे तो होर भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल पीज़े मैं कहनी हाँ पीज़े नू भी पिछे कर दिंदा है, इन्ना टेस्टी बनता है। तो बस असी इस नू सेक लावांगे तवे दे उपर ही। अगर तुहाडे कोल टोस्टर हैगा तो तुसी इस नू टोस्टर दे विच भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो तवे दे उपर ही बनाया, काफ़ी टेस्टी बनता है और इन्ना ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनया सीगा, क्योंकि आपां देसी घ्यो दा यूज़ किया। जिहड़ा देसी घ्यो है वह अपनी सेहत वास्ते बड़ा वधिया हुंदा है, दूसरे घ्यो नालों ज़्यादा वधिया देसी घ्यो हुंदा है। अगर तुसी इहनू तल के भी खांदे हो तां वी इह तुहाडे बॉडी नू कोई नुकसान नहीं करेगा। तो मैं बस इहदे नाल बना लिए ने स्नैक्स और बड़े ही टेस्टी बने सीगे। असी दोपहर दे विच अज लंच इहनां दे नाल ही किया है, तो मौसम ठंडा होने के कारण अज असी यह बनाए सीगे और बड़े ही टेस्टी लग रहे सी। बस नाल दी नाल हुण असी बना लवांगे, तो बच्चे ने नाल दी नाल खा लेंगे, बच्चियां नू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया।
लो जी साढ़े ब्रैड टोस्ट जड़े ने बन के तैयार हो चुके ने। ते आजो फ्रेंड्स तुसी भी सारे जने टेस्ट कर लो ते मैनू दसना सारे किदां दे बने ने। लंच करन तो बाद असी सारिया ने आइसक्रीम खाधी है। आइसक्रीम असी खा रहे सी के ओस्कर नू पता चल गया कि आइसक्रीम खा रहे ने ते फटाफट बैड ते चढ़ गया और साढ़े को आइसक्रीम लैके खान लग गया सीगा। ते इनू बड़ा ही वधिया लगता आइसक्रीम खाना ते ऐ साडे नाल हर एक चीज़ खांदा है साडे नाल बह के। सत श्री अकाल जी सारियां नू, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल ते। होर फ्रेंड्स की हाल चाल ने सारियां दे, उम्मीद करती हाँ सारे ठीक ठाक ही होवोगे। ते अज मैं बड़े दिन बाद अपनी वीडियो लैके आई हाँ और तुसी सारे ही मेरे वीडियो का बड़ी बेसब्री नाल वेट कर रहे सी। मैनू कमेंटा राही पता चल चुकिया कि तुसी सारे मेरे वीडियो का वेट कर रहे हो। वीडियो ना पाने का रीज़न यही है कि मैं 3-4 दिन तो थोड़ी जी बीमार जी सी, मतलब थोड़ी सेहत जड़ी है वह थोड़ी डाउन सी, तो इसलिए फिर मैं कोई वीडियो भी नहीं शूट कर पाई। जो अपनी सेहत शरीर जो ठीक नहीं होंदा तुम पता ही है कि कुछ भी चंगा नहीं लगता, तो यही कारण सी कि मैं अपनी वीडियो जी बना नहीं पाई। तो कुछ वीडियो मेरी वैसे बनिया भी हुई ने लेकिन अधूरिया सीगियाँ, इसलिए फिर मैं पोस्ट नहीं कर पाई। तो अज बड़े दिन बाद मैं अपनी वीडियो लैके आई हाँ। जी अज की वीडियो है वो तियां दे नाल संबंधित है। अज असी तियां की तैयारी कर लगे हाँ। जड़ियाँ असी तियां का प्रोग्राम करना है वो असी ऐतवार नू करना है, सावन के महीने के जिहड़ा तियां का त्यौहार मनाया जाता है वो असी अपने पिंड दे विच करन जा रहे हैं। सारियां नू पता ही है तकरीबन, तो वो असी जिहड़ा प्रोग्राम करना है वो ऐतवार का रखिया। लगभग सारे पिंड वालियां नू भी पता ही है जिहड़े भी मेरे वीडियो देखते ने। विच पिछे जे मैं पहले 19 या 20 तरीक दी तरीक दित्ती हुई सीगी लेकिन उस टाइम असी नहीं कर पाए क्योंकि एक दो कारण हैगे सीगे एवें दे कि असी नहीं कर पाए उहदे विच। ते हुण जिहड़ा साडा ऐतवार जिहड़ा आया, ऐतवार तरीक 26 तरीक है वह, तो 26 तरीक नू असी करांगे। और मेरी पिंड वालियां नू सारियां नू यही एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी तियां दे प्रोग्राम दे विच आना है, वेखन भी आना होए, चाहे तुसी जो भी गीत संगीत जो भी ने वह भी अगर तुसी करना चाहते हो तो वेलकम है तुहाडा जी आया नू सारियां नू। और सारे जरूर पहुँचना, असी सवेरे 10 बजे का टाइम रखा होया तियां का प्रोग्राम क्योंकि मॉर्निंग दे विच थोड़ा मौसम वधिया होंदा है, शाम के टाइम ज़्यादा गर्मी जी हो जाती है, इसलिए फिर असी सवेर का ही टाइम रखा होया। और ऐतवार नू सारे ही तकरीबन फ्री भी होंदे ने, फ्री तो अजकल सारे ही चल रहे ने क्योंकि ना तो बच्चों के स्कूल लग रहे ने और बाकी जिहड़े रूटीन वाले काम ने वह भी थोड़े थोड़े इधर उधर होए पए ने क्योंकि बच्चे घर रहिंदे ने। ते अज असी शनिवार नू शाम नू असी अनाउंसमेंट भी करवावांगे एक बारी जिदे नाल सारियां नू पता लग जाएगा भी हाँ जी साडे पिंड दे विच इह प्रोग्राम किया जा रहा। ते सारियां ही लेडीज़ और कुड़ियां नू रिक्वेस्ट है कि जरूर पहुंचा। तियां दी जिहड़ी तैयारी है असी ते कर लईए, ते तुसी भी सारे जने कर लो। जड़ियां मैं तियां ते जड़ी मैं चूड़ियां पावांगी ग्रीन कलर दियां, सारियां नू पता ही है कि ग्रीन कलर दे ही कपड़े पाए जांदे ने। मैं जड़ा है ग्रीन कलर दा सूट पावांगी, सूट मैं ए ने मेरी ईयरिंग्स ए भी मैं पावांगी। और आए जी साडा परांदा मैं ते तियां दे वास्ते तैयार हाँ, ते मेरी तैयारी हो चुकी है ते तुसी भी सारे जने तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी, ते असी सारे जने मिल के प्रोग्राम स्टार्ट करांगे।
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ।